हेलो, आई थिंक वॉइस क्लियर था आपको और वीडियो भी क्लियर था। हम कंटिन्यू करते हैं अपना हमारे यहाँ तक उसका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन तक, ठीक है। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ सेचुरेशन वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नाम क्या है? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है? अ सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली डू एट अ गिवन टाइम, दिस इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या कह रहा है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो ऑलरेडी क्या है, पहले तो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सर को और ज़्यादा सॉल्यूट अपने डिजॉल्व नहीं कर सकता, डिजॉल्व नहीं कर सकता। बट ये बस कहने की बात है, सारी थ्योरेटिकली बात है। सारी क्या है? थ्योरेटिकली बात है, बस कहने की बात है। वो थोड़ा बहुत होल्ड कर पाता है, वो थोड़ा बहुत होल्ड कर पाता है, और अगर वो थोड़ा बहुत होल्ड कर पा रहा है, अगर वो थोड़ा बहुत होल्ड कर पा रहा है, तो करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दे रहा है, आपको समझा रहा है। अगर हीट आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हीट करो, ठीक है, इसके अंदर डिजॉल्व करो थोड़ा सॉल्यूट, ठीक है, देन कूल इट बैक टू रूम टेम्परेचर, फिर से दोबारा से वापस अपने टेम्परेचर पर ले आओ स्लोली विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मतलब क्या? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मतलब क्या? कोई भी सॉल्यूट वगैरह अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब करने का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसके ऊपर ज़्यादा सॉल्यूट होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जो सॉल्यूशन बनाए उसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसा क्यों बोलेंगे? सिंस इट होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली होल्ड एट दैट टेम्परेचर, जो कि सर ये रख सकता है थ्योरेटिकली। ये बुक्स में कैसे लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर को कितना रख सकता है? और सर ये तो बुक्स में लिखने की बात है, रियलिटी में तो हम उसका टेम्परेचर पहले चेंज कर रहे हैं, फिर डिजॉल्व कर रहे हैं, फिर वापस बैक टू नॉर्मल कर रहे हैं, तो भर जाएगा चीज़। हाँ, तो वो कह रहे हैं ऐसा आप करके करते हो, कर सकते हो। तो फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर दोबारा से डेफिनेशन दे रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब गाढ़ा ही रखना, ठीक है, गाढ़ा ही रखा। सर इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा गाढ़ा हो, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सुपर सैचुरेटेड, 2 सेकेंड रिकॉर्डिंग चल रही है, अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेटास्टेबल एंड स्लाइट डिस्टर्बेंस लाइक सेकिंग, स्टरिंग, स्क्रैचिंग एंड वॉल ऑफ कंटेनर, स्केचिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर, एडिंग अ सॉलिड क्रिस्टल टू द सॉल्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज दे दी उन्होंने, क्या दे दी? कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है। तो एक वर्ड आया यहाँ पे मेटास्टेबल, निकलो ठीक है। अब इसका मीनिंग इसमें से पहले समझ लेना जरा। मेटास्टेबल क्या होती है? मेटास्टेबल एक स्टेट होती है। मेटास्टेबल क्या होती है? एक स्टेट होती है सर, स्टेट होती है। हाँ, मेटास्टेबल बेसिकली स्टेट को कहा जाता है, एक उस स्टेट को कहा जाता है जिसमें उसके अंदर कंपोनेंट जो होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं उनकी लाइफ ना, लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ जाए, लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें कंपोनेंट्स का लाइफ स्टेट लाइफ लाइफ स्पैन बढ़ जाए, लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ जाए। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक मेटास्टेबल स्टेट में होता है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड बन गया है तो सर उसकी लाइफ लाइफ स्पैन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड स्लाइट डिस्टर्बेंसेस, और स्लाइट डिस्टर्बेंसेस उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी, जैसे कि वो हिलेगा कम, ऑब्वियस सब सब उसमें गाढ़ा हो चुका है, वो हिलेगा कम, इससे नहीं उसके अंदर आप कुछ मिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। कह रहा है
स्क्रैचिंग द वॉल ऑफ कंटेनर और एडिंग अ सॉल्यूट क्रिस्टल टू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ना तो आप उसमें कुछ स्केचेस वगैरह कर, ना तो वो स्केच करेगा अगल बगल की चीज़ों को, अपने कंटेनर की चीज़ों को स्केच भी नहीं करेगा। एडिंग अ सॉल्यूट क्रिस्टल टू द सॉल्यूशन, अब आप उसे भी नहीं सकते हो, आप उसके भी नहीं सकते हो, आप उसके ज़्यादा अंदर ज़्यादा और सॉल्यूशन डाल भी नहीं सकते हो। मेक द एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट परसिपिटेट आउट, और सब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल भी नहीं सकते ताकि वो परसिपिटेट करे। ठीक है, देर बाय रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगेन, और ना ही, और फिर वो ऐसा करने से बुधवार से आपका सैचुरेटेड बनेगा ही नहीं, सैचुरेटेड बनेगा ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम से आप फ्री रहते हो जब वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। तो वो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ लिटिल विदाउट द एक्सेस ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइजिंग आउट। एक तरीका बता रहा है, पता नहीं अलग से हेडिंग क्यों देते हैं लोग शब्द को। वो कह रहा है इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। ठीक है, वो कह रहा है ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम करना पॉसिबल है किस चीज़ का, ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट द एक्सेस सॉलिड क्रिस्टलाइजिंग आउट, यानी कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से बिना सॉलिड पार्टिकल्स निकाले, बिना सॉलिड पार्टिकल्स निकाले भी आप उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हो। तो कैसे, वो कह रहे दो तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा कम होगा। कैसे होगा, इफ नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर गंदगी होनी चाहिए, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं उसका टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। द सॉल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब, द सॉल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब फिजिकली, द सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेशन को फिजिकल डिस्टर्ब भी मत करो, इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग स्टिल इन इट्स कंटेनर, उसको खुला छोड़ दो, उसको इस कंटेनर में खुला छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा एटमोसफेयर से, अपने एनवायरमेंट से अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके बताएं, बताने क्यों बताएं, क्वेश्चन पूछ सकता है फिर इसको, फिर मेरे को लगता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसका रफली मीनिंग मैंने ऐसा बताया गाढ़ापन, ये कुछ कितना थिक है, कोई लिक्विड कोई सॉल्यूशन कितना थिक है, तो यहाँ पर उसका और मीनिंग क्लियर कर रहे हैं कैसे मेजर करेंगे अभी कंसंट्रेशन, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन द अमाउंट, ये क्या है, कंसंट्रेशन क्या बताता है, कंसंट्रेशन मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूड डिजॉल्व, उसके में कितना कितना सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व है, सिंपल सा, कितना सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व है। ठीक है, इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन मेनी वेज, इसको आप काफ़ी सारे तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हो, हो सकता है आपको मास परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहो, हो सकता है आप वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहो, ठीक है, मास में ऐसे, ठीक है, सब वॉल्यूम परसेंटेज में डिफरेंस, वॉल्यूम परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम सॉल्यूट, देखो दो चीज़ें होती हैं, आपको जो सॉल्यूशन होगा या तो सॉलिड की या तो लिक्विड की वजह से बनना होगा, या फिर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, तो सॉलिड के केस में हम मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे और लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, दोनों बताते क्या है, नॉर्मली एक ही चीज़ बताते हैं, सॉलिड वाले में मास मास परसेंट वाले में बताते हैं कि बेसिकली टोटल जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है उसका कितना परसेंट मास सॉल्यूट है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि पूरे सॉल्यूशन में से कितना प्रपोर्शन सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक है, और वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वो बताता है कि कितना फैला हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस, कि पूरा सॉल्यूशन का लिक्विड है तो पूरे लिक्विड में कितनी जगह उसने सॉल्यूशन में घेर रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए सर उन्होंने दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, मीनिंग उन्होंने आपको बताया नहीं, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ बता दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि बेसिकली बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट होने वाली 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाले ना इसलिए 100, कि पर 100 ग्राम के सॉल्यूशन में
कितना सॉलिड और सॉल्यूट है, कितना सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन सॉलिड इज सॉलिड, ये कब यूज किया जाता है, जब सॉल्यूट क्या हो सॉलिड हो, जब सॉल्यूट क्या हो सॉलिड हो और सॉल्यूट लिक्विड हो, ठीक है। ये केस से याद रखना कब कौन सा मेथड लगेगा। और ये कब यूज किया जाता है, इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन दोनों ही दोनों चीजें क्या हो लिक्विड हो, दोनों ही दोनों चीजें क्या हो लिक्विड हो। मेथड फॉर्मूला मैंने आपको बताई दिया, एग्जांपल देख लो बेटा क्या है। इफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ वाटर, इसे 10 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट कितना हो गया 90, तो कंसंट्रेशन क्या होगा 10/90, गलत, 10/90+10, 10/90+10, अच्छा 10/90+10 हो गया, 90 तो सॉल्वेंट हो गया, एक हमें तो नीचे सॉल्यूशन का चाहिए ना, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना कि सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, तो नीचे दोनों को प्लस ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वॉल्यूम पर रहते हैं परसेंट की तरह, यहाँ पर वैल्यू पढ़ लो। If 30 ml of alcohol is mixed with 70 ml of water to get 100 ml of solution, find the volume percent percent. तो मेथड आपको दिया हुआ है 30% हो गया, ठीक है। कुछ examples आपको दिए हुए हैं, पढ़ो जरा एक बार, वीडियो पॉज कर खुद पढ़ो, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। तो क्या 2.5 liters of alcohol is present and 10 liters of aqueous solution, solution. ये किसका वेट दिया हुआ है, ध्यान रखना, आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा फॉर्म लगाओ, सॉल्यूशन का फॉर्म ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, हो गया आपका सॉल्व। एग्जांपल टू, 50 वीडियो पॉज करके रीड कर लो, है ना, आई थिंक आपने कर लिया। 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्वड इन 2.45 किलोग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम है, एक कुछ चीज ध्यान रखनी, ये ग्राम है ना, और ये क्या है, ये किलोग्राम, तो थोड़ा सा यूनिट्स में फर्क आएगा, ठीक है, यूनिट्स का नोट करने पड़ेंगे आपको। फिर सर ये ग्राम है और वो वाटर है, यानी सर इसमें वो मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सर यहाँ पे जैसे ऊपर वॉल्यूम वर्ड यूज किए हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं होंगे, यहाँ पे मास वर्ड यूज होंगे, ठीक है, चीजों का ध्यान रखना है लिखते टाइम। एमसीक्यू है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर रिटन है तो ठीक से ध्यान पड़ सकते हैं इन चीजों पर, ठीक है। तो सर 50 ग्राम ही रहने दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो था 2.45 kg, उसको कन्वर्ट के लिए ग्राम्स में, ठीक है, अब दोनों को प्लस किया, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 2.45 ऊपर को 50, सॉल्व करके आपको इजिली हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, कंसंट्रेशन वाले में बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, बहुत है सॉल्युबिलिटी का, बहुत है सॉल्युबिलिटी का, हमने कितने पेज पढ़ लिए बेटा, था एक, सॉल्युबिलिटी क्या कहता है बेसिकली, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, एक वर्ड में अंदर लास्ट में आ रहा है ये वर्ड, कहाँ से आया वर्ड, एबिलिटी, ये वर्ड कहाँ से आया है, एबिलिटी, यानी इस वर्ड के दो वर्ड है, एक तो सॉल्युबल प्लस एबिलिटी, तो सॉल्युबल प्लस एबिलिटी यानी सॉल्यूट होने की एबिलिटी, डिजॉल्व होने की एबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कोई भी चीज किसी भी चीज के पास डिजॉल्व होने की कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है, या फिर बोलूं किसी भी सॉल्वेंट के पास किसी चीज को डिसॉल्व करने की कितनी एबिलिटी है, कितनी ताकत है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स, जो कि डिसॉल्व हो जाती है, जो कि डिसॉल्व हो जाती है। अब ये यूनिट को छोड़ देना, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट लिए बेसिकली कि पर 100 ग्राम में कितना हो जाता है ना, तो उसको छोड़ देना, अब बस समझो सॉल्युबिलिटी का मतलब। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एक वो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो कि डिसॉल्व हो जाती है किसी भी सॉल्यूट में, जो कि डिसॉल्व हो जाती है किसी भी सॉल्वेंट में, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट सर्विस सब्सटेंसेस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट्स इन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्यूट, वो कह रहा है
कि सर हर इस पूरी लाइन का मतलब क्या है अगर आप हिंदी में लिख सकते हो कि हर सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, हर सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सर हो सकता है सॉल्वेंट एक ही पानी लेकिन उसके अंदर चीज़ें डिजॉल्व अलग अलग कर रहे हैं, तो समो की जो सॉलिबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, हर किसी की अलग अलग होगी। सर कोई चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ चीज़ कम डिजॉल्व होगी, या फिर उससे तो कोई चीज़ इसको डिजॉल्व होने में कम टाइम लगेगा, किसी चीज़ को डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है सर कुछ चीज़ डिजॉल्व हो भी, कुछ चीज़ हो सकता है डिजॉल्व नहीं भी हो, जिसके डिजॉल्व जो नहीं होगी उसकी सॉलिबिलिटी जीरो हो जाएगी, और जो डिजॉल्व होगा वो तो आज हो ही रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स दे हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज, तो वही मैंने लिखा हुआ हर किसी के पास सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पर आपसे एक्सरसाइज पूछ लेते हैं, आपको अलग से तो कोई रिसर्च करनी नहीं है, यही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नाम याद रखने हैं, मासेस ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट इट डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस 36.5 ग्राम। तो वो कह रहा है कि दो हमने सॉल्यूट लिए, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, एक सॉल्वेंट लिया वाटर, एक सॉल्वेंट लिया वाटर, वाटर का वेट कितना था 100 ग्राम। ठीक है, उसका हमने 40 डिग्री सेल्सियस पर हम उसका टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, तो उस पर हमने देखा था 40 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड का जो मास आ रहा था वो 36.5 ग्राम आ रहा था और जो पोटेशियम नाइट्रेट का था 63 ग्राम आ रहा था। तो ये ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है ना वो ज़्यादा है, वो क्या है ज़्यादा है किससे, एज दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दो एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए कि दोनों में से अगर देखें तो दोनों में, तो हमने दो में कंपेरिजन किया तो दोनों ही अलग अलग आ गए, दुनिया में तो लाखों से बहुत चीज़ें हैं तो उनको चेक करेंगे तो बहुत अलग अलग आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्या देखना है आपको, एग्जाम्पल के लिए सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, the solubility of a solute in a particular solvent at the given temperature is equivalent to the maximum number of grams of the solute necessary to saturate 100 grams of that solvent at that temperature. Sir, kya likha hai? Ye to kuch samajh nahi aaya. Kuch samajh nahi aaya? To chhod do. Ye kya tarika hai? Aur kya, agar kuch samajh nahi aaya to chhod do ya fir us pe lage do. To do teen din padho zara isko, agar lage rehne to aapko chhodna nahi hai to. The solubility of a solvent, सर किसी भी सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉलवेंट, एक किसी स्पेसिफिक सॉलवेंट के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर में इज इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट बराबर होता है, इक्विवेलेंट वाला बराबर नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है ऑलमोस्ट बराबर होना, तो ऑलमोस्ट बराबर होते टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉलिड, टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉलिड नेसेसरी टू सैचुरेट 100 ग्राम्स ऑफ दैट सॉलवेंट एट दैट टेम्परेचर। ओ सर ये क्या कह रहा है, समझ आ गया वो कह रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी होती है ना कि वो इक्वल होती है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है किससे, उसी सॉलिड के मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स के बराबर होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। जैसे यहाँ पे इसका वेट क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट का 63 ग्राम, तो उसकी सॉलिबिलिटी भी उन्होंने क्या बोली, इसी को बिस्पर तो बोला कि इसकी सॉलिबिलिटी भी कितनी है 63 ग्राम से, यानी उसने बोला कि उसका जो मास है नंबर ऑफ ग्राम्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम्स को मास बोल सकता हूँ, तो मास के बराबर होती है, तो मास के बराबर होती है और कुछ नहीं बोल रहा, तो वो सिंपल से बोल रहा है कि अगर जितना मास है हम उतनी क्या मान लेते हैं, सॉलिबिलिटी मान लेते हैं जनरली, इसका मतलब ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मास इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी, इस पूरे क्रक्स क्या है, मास इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी, जितना मास होगा उतनी हम किसी भी एलिमेंट की सॉलिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट इज नेग्लिजिबल सॉलिबिलिटी इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। कोई ऐसा जो डिजॉल्व ना होता हो, सर नाम के लिए डिजॉल्व होता हो, बस हमें कुछ डालो उसके अंदर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, ऐसा हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। ये तो हुआ ही नहीं बेसिकली, इनसॉल्युबल तो डिजॉल्व ना हो, तो ये नाक के बराबर तो डिजॉल्व हुआ है, हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, एग्जांपल के लिए इनसॉल्युबल के एग्जांपल से देखो, ये पूछ सकते हैं आपसे, सी
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसकी सॉल्युबिलिटी केवल कितनी, 0.00005 ग्राम, ठीक है बहुत कम हो गई। ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंस दैट हैज मोर देन नेग्लिजिबल बट लेस देन हाई सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल। वो कह रहा है सब कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल नाम की चीज़ होती है। सर ये क्या होती है? वो कह रहा है ये एक ऐसा सॉल्युवेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है सर, नेग्लिजिबल से तो ज़्यादा होती है, नेग्लिजिबल से तो ज़्यादा होती है, यानी इन सॉल्युबल से, इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस से तो ज़्यादा होती है इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लेकिन जो हाई सॉल्युबल होते हैं ना उनसे कम होती है, बट जो हाई सॉल्यूशन हाई सॉल्युबल होते हैं उनसे कम होते हैं, नॉर्मल लेवल पर होते हैं इसकी नॉर्मल, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। एग्जाम्पल स्पेरिंगली सॉल्युबल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी कितनी है, 0.17 ग्राम्स के इक्वल है, तो 0.17 उसका मास है, हाँ तो मास के हमने बोला कि मास इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और अ सब्सटेंस हैविंग अ हाई सॉल्युबिलिटी सच एज सोडियम क्लोराइड इज सिंपली कॉल्ड सॉल्युबल। अब वो कह रहे हैं ऐसी सब्सटेंस जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। तो तीन तरह के आपको पता चल गए सॉल्युबिलिटी के बेस पर। यहाँ पे भी क्या लिखो, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे हेडिंग क्या डालो ऊपर, यहाँ पे एक हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम तो उसको इनसॉल्युबल, बहुत ज़्यादा है तो सॉल्युबल, इन दोनों के बीच की है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने तीनों के बुक में जो दिए हुए हैं आपको अलग से याद, टेबल दी होगी मेरे ख्याल से चैप्टर में दी भी होगी तो खुद करें, पर उन टेबलों को याद करने से तो बेटर है कि आप कम से कम एटलीस्ट ये एग्जाम्पल्स वाले नाम याद रख के चलो, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, हेडिंग से क्या समझ आ रहा है, पहले हेडिंग को समझो। सब कुछ तो रीजंस हैं, कुछ तो चीज है जो क्या करती है उसकी जो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वो क्या करती है, अफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। ऐसे चीज़ों को बोला जाता है फैक्टर, ऐसे चीज़ों को क्या बोला जाता है फैक्टर्स, ऐसे रीजंस को क्या बोला जाता है फैक्टर्स। तो वो कह रहा है तो अब बेसिकली बात करें स्पीड की, कि किस वजह से सॉल्युबिलिटी की स्पीड बढ़ती है, किस वजह से कम होती है। तो स्पीड को हम और भी क्या बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं, आपने उन्हें बढ़ के यूज करते हैं किसके रेट। वो कह रहे हैं रेट ऑफ जो डिजोल्यूशन होती है ना, डिजोल्यूशन बोले डिजोल्व बोलो बात देखते हैं, डेट ऑफ डिजोल्यूशन बोलो, डेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बोलो, सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो एक वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये बात कर रहा है सॉलिड, अगर सॉलिड लिक्विड में होता सॉलिड सॉलिड में हो रहा है, सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व हो रहा है तो उसकी बात नहीं करना, अगर सॉलिड आपका लिक्विड में हो रहा है तो ये बात कर रहा है, ध्यान रखना है ये चीज़ है, ठीक है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, पहले तो उसका साइज पर, फिर उस चीज़ हम डिजोल्व कर रहे हैं तो साइज कैसा है, साइज कैसा है, दूसरा स्टेरिन हम उसे कितना मिक्स करते हैं कितना नहीं, तीसरा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ठीक है। ये तीन रीजन हैं सर, समझा जा रहे हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, बुक को तो बाद में छोड़ो, ठीक है। आप एक ग्लास लेना, ग्लास में पानी लेना, अब पानी के अंदर ना आप क्या करना, दो ग्लास पानी लेना, एक ग्लास में चीनी डिजोल्व करना, एक ग्लास में बतासे डिजोल्व करना, ठीक है। आप देखोगे
सर देखा तो बताते हैं चीनी के बनते हैं, चीनी बूरे के बनते हैं, बता सकते हैं बूरे के बनते हैं। तो आप गिलास में क्या कर लेना, 2 गिलास लेना पानी से भर के, 1 गिलास में डालना बूरा, 1 गिलास में डालना बतासे, 1 बतासा डालना। तो आप देखोगे ना कि जब बूरा होगा, बूरा में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बतासा है, बतासा बहुत देर में डिजॉल्व होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी चीज़ें जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं, बड़ी चीज़ें देर में डिजॉल्व होती हैं। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉलर द साइज द ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी, बोल दूँ मैं इसको। ऐसे वो कह रहा है ग्रेटर इज द सरफेस एरिया एक्सपोज इन सॉल्वेंट, तो वो कह रहा है यहाँ पर देखिए जितनी छोटी चीज़ होगी उसको उतना ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा फैलने के लिए, उसको उतना बड़ा एरिया मिलेगा फैलने के लिए। या फिर मैं इसको सिंपल से बोल सकता हूँ, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी, स्मॉलर द साइज इज ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं, ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे, छोटे छोटे पीसेस डालकर डिजॉल्व करोगे तो चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, एक दम से बड़ी चीज़ डाल दोगे तो डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, आप बस दो लाइन याद रखो इस वाले पैराग्राफ से, बस इतना काफ़ी है। इसलिए आप शुगर ही ले लो, 2 गिलास लो, ठीक है। स्टेरिंग का एक और मीनिंग में देखूँ, स्टेरिंग का ये एक मीनिंग होता है, कोई अमेंट नहीं है इनका अकॉर्डिंग। लेट मी चेक, हाँ इसका काम मिक्स करना ही होता है, ठीक है, मिक्स करना ही होता है। 2 सेकंड रुकना, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। ओके, दिस ब्रिंग्स मोर ऑफ द सॉल्वेंट इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूट एंड दस इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो कह रहा है आप जितनी जल्दी जल्दी मिक्स करोगे वो इतना ही जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज़्यादा वो जल्दी जितना जल्दी वो सॉल्यूट के कांटेक्ट में आएगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। तो ये तो मैंने आई थिंक आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आप गर्म चीज़ के अंदर चीज़ें डिजॉल्व करते हो तो बहुत जल्दी डिजॉल्व होंगी, ठंडी चीज़ के अंदर ठंडे लिक्विड के अंदर तीन डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पर लिखा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस, ये तो सॉरी देते हैं वो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये गैस की बात करें कि सॉलिड की बात नहीं करें, सॉलिड की बात नहीं करें, गैस की बात करें, गैस की बात करें, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज डिक्रीज विद राइजिंग टेंपरेचर, यानी अगर टेंपरेचर बढ़ा, सॉरी ऑलवेज डिक्रीज विद राइजिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेसिक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, पर गैसेस का केस में क्या होता है, गैसेस का केस में क्या होता है, गैसेस का केस में क्या होता है उल्टा होता है, उनके केस में वो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होती उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी की डिक्रीज होती है। बट जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स सारे ने मोस्टली उनकी यूजली इंक्रीज होती है विद राइजिंग अगर आपको किसी वाटर को 20 डिग्री के सेल्सियस पर डिजॉल्व कर, अगर आप किसी वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर डिजॉल्व करते हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आएगी 31.6 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस को 60 डिग्री सेल्सियस पर डिजॉल्व करते हो, 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी सॉल्युबिलिटी में हरकत क्या हो जाएगी, 108 ग्राम हो जाएगी, ठीक है, 108 ग्राम हो जाएगी। यही तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मेले होते हैं जिसके सिटी में पार्टिकल्स सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज,
क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रही है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो क्या करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जो कि सॉल्वेंट के बीच में खाली है, वो और कोई काम नहीं करते, वो कोई केमिकल चेंज नहीं होता, वो तो खाली ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सॉल्वेंट क्यों गायब होते हैं, क्यों अफेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या कि वो केवल जगहों को ऑक्यूपाई करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए रियल में, नहीं कोई गायब नहीं होते, वो बस वो खाली जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जिसको हम इतने नहीं देते हैं। वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन कैन बी सून बाय मींस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व, वो कह रहे हैं अगर आपको वेरिएशन देखना है, वेरिएशन तो चेंजेस आपको देखने हैं किसी भी किसी भी वेरिएशन देखना है सॉल्युबिलिटी का किसी भी सब्सटेंस में, विद टेंपरेचर यानी टेंपरेचर चेंज करने से, टेंपरेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, तो अगर आपको चेंज चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हो कैसे, एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व, एक ऐसा कर्व जो सॉल्युबिलिटी दिखाता है, ठीक है, तो वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स कैन बी सून बाय मींस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व, हियर सॉल्युबिलिटी इज प्लॉटेड अलोंग द ऑर्डिनेट वाई एक्सिस एंड टेंपरेचर अलोंग द एक्स के साथ एक्स के साथ एक्स एक्सिस का बोला, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ, आपको पता नहीं होगा कि नहीं पता होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का एक लॉजिक होता है, कब हम सब वाई एक्सिस पर हम कौन सी वैल्यू प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम कौन सी वैल्यू प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा वेरिएबल, जो चीज़ वेरिएबल होती है उसको हम क्या करते हैं, जो चीज़ वेरिएबल होती है हम उसको क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, यानी जिस चीज़ को हमें चेंज करना होता है, जिसको हमें चेंज करना होता है, चेंज तो सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन जिसको हमें चेंज करना होता है हम वो नीचे लिखते हैं, हम अपने हाथ से सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम अपने हाथ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम नीचे हमेशा क्या लिखते हैं एक्सेस पर वेरिएबल। तो वो कह रहा है स्टार्टिंग में उन्होंने तो बहुत सारे सब्सटेंस ले लिए, बहुत सारे सब्सटेंस, अगर हम कोई एक ही लेके चलें, अगर हम कोई एक ही लेके चलें तो मैं पोटेशियम नाइट्रेट लेके चलता हूँ एग्जाम्पल के, सारे लेके चलता हूँ, एक ही लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी ना, सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की वो कितनी होगी, वो कुछ इतनी होगी, वो कुछ इतनी होगी, अगर वही आपके पोटेशियम नाइट्रेट का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूँ तो वो भड़के इतनी हो जाएगी, तो उसकी भड़के कुछ इतनी हो जाएगी, अगर वही मैं आपका टेम्परेचर और बढ़ा दूँ तो सर वो कुछ यहाँ से यूँ जब वो भड़ती आएगा, भड़ती जब वो आएगा और उस पर बड़ा कर लूँ मैं, ठीक है, तो ये कुछ कितना बैठेगा, और ये कुछ यहाँ पे 120 ले लो, 140 ले लो, ठीक है, कुछ इतना चेंज होता रहा, यानी कि आपको दिखा दिया ना टेम्परेचर के चेंज होने से क्या सॉल्युबिलिटी में चेंज आना है, बस इतना ही समझना है, बाकी उन्होंने अलग अलग सर्किट दिए, अलग अलग सर्किट का लॉजिक समझ भी नहीं पाऊंगे अभी, है ना। ये क्या कह रहा है, अच्छा मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया, मैंने डायरेक्ट ग्राफ पढ़ा दिया, उन्होंने कुछ नीचे दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी कर्व इज अ लाइन ग्राफ दैट प्लॉट्स द चेंजेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट अगेंस्ट चेंजिंग टेंपरेचर, ठीक है, समझ में आता होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स आर शोन, कुछ कॉमन कंपाउंड्स ना शो कर रखे हैं, ठीक है। अब उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करना है सारे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 तीन ही कर रहे, चलो पढ़ते हैं क्या अपन दिए हुए हैं, substances like sodium nitrate potassium nitrate potassium bromide etc so considerable increase in their solubility with relative temperature, okay the same like kuch components hai jo bahut zyada consider hone lage bahut zyada substances like changes show kar rahe hain, to dekhna sodium nitrate potassium ko sodium nitrate potassium nitrate
ज्यादा हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड में भी कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज करने पर टेम्परेचर में। तो बता रहे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका सॉल्युबिलिटी क्या है इन ग्राम्स में अगर देखोगे तो 63, इसकी 84, इसकी 100। सर ये किस चीज़ की है? ये पोटेशियम का है और ये सोडियम का है, ठीक है। तो कैसा था लगा ये पोटेशियम, क्या पोटेशियम का है या सोडियम का है? पोटेशियम को हम ग्रिनोट करते हैं के से और सोडियम को हम ग्रिनोट करते हैं एन ए से, ठीक है। फिर कह रहा है सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस ओनली अ लिटिल बिट इंक्रीजिंग टेंपरेचर, सोडियम क्लोराइड बहुत कम ही इंक्रीज होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। हाँ देखो सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, ऑलमोस्ट जाकर 40 के बराबर ही आ पाया, 38 के अराउंड जो था ऑलरेडी, यानी बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है। सही कह रहा है वो सॉल्युबिलिटी कम और सक्सेसफुली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट सो दैट देयर इज एन डिक्रीज, सो इन अदर डिक्रीज हो गया इन देयर सॉल्युबिलिटी विद फर्दर रेज टेंपरेचर, अदर एग्जांपल्स आर सेरिक सल्फेट स्लेग लाइन एटसेट्रा। हम एक ही देख रहे थे कैल्शियम सल्फेट, ग्रुप कैल्शियम सल्फेट देख रहे हो, बड़ा 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 फिर दर से गिर गया, तो गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। फिर कह रहे हैं एनोमलस सॉल्युबिलिटी, देयर आर सम सॉल्ट्स हुज सॉल्युबिलिटी टू ग्रुप जैसे इस टेम्पर पर नहीं पहुंचा था तो बढ़ेगा था, तो बढ़ेगा, और जैसे इसको क्रॉस करेगा देन इट फॉल्स, देन इट फॉल्स स्लाइड, फिर वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। दिस इज बिकॉज Na2SO4 हाइड्रस बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस एट एनी हाइड्रस अबव इट, वो कह रहे हैं क्योंकि ये 32.8 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रस होता है, फिर बाद में से क्या होता है एनी हाइड्रस हो जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस भी हुई है पढ़ने ना, ये देख लो बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, देखा भी नहीं, ठीक है। टेंथ ग्राफ नोट इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सर ये क्या होती है देखते हैं क्या कह रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन फेज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, वो कह रहे हैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, पता नहीं क्या होती है, पता नहीं, तो कह रही है कैसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉलिड की वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेंपरेचर, ठीक है। और एक दूसरी प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी होती है ना वो इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है ऑन लोअरिंग ऑफ टेंपरेचर, यानी दोनों का मीनिंग आपको लिखा। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, जहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या हो गई आपकी, एग्जोथर्मिक, सॉरी एग्जोथर्मिक प्रोसेस हुआ जहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एग्जाम्पल याद रखना सर, ऊपर वाले के एग्जाम्पल क्या है, KNO3 और NaNO3, यानी पोटेशियम वाला पोटेशियम नाइट्रेट और ये क्या है सोडियम नाइट्रेट, और नीचे वाले का एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉल्यूडो कप्स कैन भी होते हैं कि यूजेस पढ़ लेते हैं, बाकी काफ़ी कटवाई दिए टीचर ने, टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, सर किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट सब्सटेंसेस, सर इफेक्ट जानने के लिए कि कितना बढ़ाने पर कितना घट रहा है, कितना कम करने पर कितना बढ़ रहा है, वो इफेक्ट देखने पर अदर चीज़ों अदर से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल When a saturated solution is prepared at 40 degree Celsius solution, अगर कुछ saturated solution जो कि हमने 40 degree Celsius बनाया था and then it is cooled to 15 degree Celsius, तो उसको ठंडा करना 15 degree Celsius पर आ जाए, तो some salt gets crystallized out, तो कुछ salt उसमें से उठ जाएगा, तो ये effect अगर आपको देखना है कुछ salt उसमें से अलग हो जाएगा, तो अगर आपको effect देखना है तो अभी आप solubility कर draw कर सकते हो, ठीक है।
बेसिकली आपको यहाँ तक हो गया इस वीडियो में, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। कितना रह गया है, 1, 2, 3, 4, 5 दो क्लास में लग जाएंगे इसमें भी। तीन तो मैंने आपको बोले आगे हमने कितने पढ़े, 1, 2, 3 के लिए हमने पढ़े। ठीक है, इतना ही आपका आज का। ठीक है, होमवर्क में देखता हूँ आपको, तो देखता हूँ कुछ हो जाए या नहीं। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू आर गिवन सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ लो टेंपरेचर। क्वेश्चन नंबर 4 का, और हाउ कैन यू शो दैट योर सॉल्यूशन इज रियली सैचुरेटेड। फोर्थ के एयर भी तो नहीं है, डिफरेंट हेनरीज लॉ पढ़ा नहीं है, वो तो ये भी नहीं पढ़ा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, इस तो नहीं पढ़ा भी, छोड़ दो। हाँ, ये इसका स्टेटमेंट ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, इसका मतलब क्या है, विच अ टेस्ट ट्यूब इज कैरी आउट टू फाइंड आउट अ गिवन सॉल्यूशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड। टेंथ वाला, ए वाला, when a substance is just moisture on exposure to moist air and dissolves in the absorbed water and turns into something more. That is that. ये और भी दोनों हैं ना, ट्राई करना। लेक्स है, रिवर्स वाला आई थिंक कर चुके हैं, देख लेना, नहीं तो मुझे बता दें, फिर हम बाद में कर ही लेंगे। बस इतना ही है अभी तक, वो इतना ही है। ठीक है।